लॉन्ग या शॉर्ट टॉप कन्विक्शन ट्रेड्स आपके कुछ? HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा को छोड़ के आपको जो जी में आए उस बैंक को शॉर्ट कर दीजिए, बहुत पैसा मिलेगा। बैंक सबसे ज्यादा कमजोर है। देखिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर जो पॉपुलर बहुत है, मैंने लास्ट टाइम और उसके लास्ट टाइम भी कहा कि इनको बेच के ही पैसा मिलेगा, वापस उनमें रैली आ सकती है, ओवरसोल्ड हो गए सारे एनबी सारे फाइनेंशियल्स एक्सेप्ट फॉर HDFC लाइफ और कुछ हद तक SBI कार्ड्स, और 2-5 दिन के लिए हो सकता है HDFC बैंक बैंक निफ्टी में थोड़े से प्राण डाले, वो ठंडी पड़ेगी तो कोटक बैटिंग करेगा। ये दो स्टॉक्स मिलकर मोर्चा संभाले और शनै शनै एक एक करके सारे बैंक्स में भीतर मोटे शॉर्ट्स बड़े लोगों के बन जाए, उसके बाद इनको ढेर होना है। तो शॉर्ट साइड पे बैंक्स, शॉर्ट साइड पे फाइनेंशियल्स, IT स्टॉक्स, फार्मा, ये जो लार्ज कैप फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और सिप्ला, बार बार इनमें स्टॉप लॉस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पर मेरे को लगता है ये जो आज के इनके भाव है, अगले 2 साल तक ये भाव नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे स्टॉक्स के साल के व्यू में, तो हम इन्हें लेंगे ही नहीं। जब भी हमें सेल सिग्नल मिलेंगे बेच बेच के इनमें व्यापार अगले 2 साल तक करने का इरादा है, और टाइम टू टाइम बीच में स्टॉप लॉस लगेंगे, ट्रेडिंग में तो लगाना पड़ता है स्टॉप लॉस। तो मेरे को लगता है लार्ज कैप फार्मा की लॉन्ग टर्म साइकिल, आई एम कॉलिंग ए टॉप ऑन दैट। ओके, कॉलिंग ऑन टॉप ऑफ दैट।